नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेकर की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में आप सीखेंगे प्लस करना और माइनस करना और गुणा, तीनों विधि का शॉर्ट ट्रिक। यानी कि आप पेपर करते हैं, जब यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन में पेपर सॉल्व क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको गुणा करने में और प्लस करने में, माइनस करने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन आज की क्लास में ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं कि मात्र बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा और माइनस चुटकियों में, यानी कि एक से दो सेकंड में कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ऐसी विधि ऐसी ट्रिक का आप आगमन करेंगे आज कि बिल्कुल सिंपल ट्रिक से आप हर सवाल का सॉल्विंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे सामने कोई एक संख्या है, 1000 संख्या ली है मैंने, संख्या है 1000। और जैसे संख्या में से आपके किसी ने बोला है कि आपको 729 माइनस करना है, कितना करना है, 729 माइनस करना है। तो आप किस प्रकार से करेंगे, आप जैसे कि आपका जो सिंपल तरीका होता है, मैं उस तरीके से पहले बताऊँगा, ठीक है। आपने लिखा सिंपल तरीके से 1000, ठीक है, और 1000 में से आपको करना है 729 करना है माइनस। 729 कितने संख्या है, तीन संख्याएं हैं उसमें। तो आप पीछे से लिखना शुरू करेंगे, 9, 2 और 7, चिन्ह लगाएंगे माइनस का, आप इसी प्रकार से घटाएंगे उसको। आपका सिंपल तरीका बताता हूँ, फिर मैं यहाँ पर ट्रिक से भी बताऊँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आप कितना करेंगे पहले, तो आप जैसे आपको 0 में से 9 घटाना, तो इसको पहले बनाएंगे आप 10, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे आप यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। फिर 1 यहाँ पे, यहाँ पे लेंगे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 9 हो जाएगा, और 9। तो आप क्या करेंगे कि 9 लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने कितना लिखा था, 10, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। आपको सिंपल इसी तरीके से लिखेंगे आप। तो अब जैसे आप इसमें से घटाएंगे, तो आपका पूरा इसमें से घटाएंगे आप, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे था आपका 9, 9 में से 2 गया आपका, कितना बचा, 7, यहाँ पे था आपका 9 था, और 7 और 8, यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा। यानी कि आपका इस विधि से आंसर आएगा 7। यानी तो अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में घटाया है, तो आपसे बोला जाए अगर कि 289 को, कितने को, 289 को आपको 1000 में से घटाना है, ये है आपकी ट्रिक। तो अगर आप 289 को 1000 में से घटाएंगे, तो आप डायरेक्ट 1000 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जैसे कि आपने वहाँ पे एक कैरी लिया था बगल से 9, यहाँ से भी 9, और लास्ट में आपने कितने में से घटाया था, 10 में से। तो आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा आपका, कितना बचेगा, 1, 9 में से 8 जाएगा आपका, कितना बचेगा, 1, और 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 7, बचा कि नहीं, इसी प्रकार से आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। जैसे कि आपसे बोला गया कोसी ने कि आपको 898 को 1000 में से माइनस करना है, तो आप किस विधि से करेंगे, इस विधि से करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, आप पूरा 1000 नहीं लिखेंगे, आप वो संख्या लिखेंगे जिसमें से आपको घटाना पड़ता है या जिसमें से आपको घटाने को बोला जाता है 1000 में से। तो 1000 का मतलब होता है कि आप वन से वहाँ से कैरी लेंगे, फिर यहाँ पे कैरी लेंगे तो 9 बचेगा, 10 लेंगे, 1 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, फिर 1 यहाँ पे 10 था तो 1 लेगी तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, और लास्ट में होगा आपका 10। आप इसमें से घटाएंगे, इसका मतलब होता है 1000, किस में से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, 10 में से 8 गए आपका, कितना बचा, 2, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 1। तो यानी कि 102, इस विधि से आपका ट्रिक आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आपका राइट आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको करना है। अब इसी के चलते हुए मैंने बोला था कि अब मैं गुणा करने की भी ट्रिक बताऊंगा, तो एक इसी वीडियो में आपको गुणा की ट्रिक भी और मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने किसी ने बोला कि 120 का आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको इस मेथड में सिर्फ 15 से गुणा करने के ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ये 15 से किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। इनकी इस विधि से करेंगे तो आप 15 के अगर मल्टीप्लाई नहीं करना हो तभी आप करेंगे, ठीक है।
तो आप सिंपल किस तरीके से करते थे कि पहले 5 का 0 में करेंगे, फिर 5 का 2 में करेंगे, फिर 5 का 1 में करेंगे, फिर यहाँ पे इंटू लगाएंगे, फिर 1 का करेंगे 0 में, फिर 1 का 2 में करेंगे, फिर 1 का 3। इससे आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 120 है तो इसमें से आपको 1 0 बढ़ाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1200। कितना 0 बढ़ाना है? 1 0 आपको बढ़ाना है। ये आपकी मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने की, 15 से किसी भी संख्या में गुणा करने की ट्रिक है। क्या है ट्रिक? तो आपको 1 0 बढ़ाना है, और जितना आपने 0 बढ़ाया है और टोटल संख्या आपकी बनी है तो इसमें से आपको आधा करना है। कितना करना है? यानी कि 50% करना है। तो इसमें से आपका 600 हो जाएगा, और 600 को कर देंगे आप प्लस, तो 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, और 7 और 2 होता है आपका 8, और 1 आ जाएगा आपका 1, यानी कि 1800 आ जाएगा आपका। 15 में गुणा करने पर 120 में गुणा करेंगे आप तो 1800 आपका। ये भी आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि किसी ने बोला आपसे कि 142 × 15 करना है, तो 142 × 15 आप कैसे करेंगे वो भी आप आज देख लेंगे। तो 100 मैंने बताया है कि आपकी जितनी भी संख्या हो, जैसे कि 142 है, इसमें आपको 1 0 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? लास्ट में 1 0 बढ़ाना है। टोटल संख्या में आपको देना है 2 से भाग। क्यों? क्योंकि आपको 50% करना है। या तो आपको 50% करना आता हो या फिर आप कर सकते हैं। तो 50% जब आप करेंगे तो इसका होगा आपका 710। कितना हो जाएगा आपका? 710। और 710 को कर लेंगे आप प्लस, और प्लस आपको उसी प्रकार से करना है जैसे कि आप अभी तक करते आए हैं। तो प्लस करेंगे, 0 का 0 हो जाएगा, 2 रेख होता है 3, और 7 और 4 और 7 हो जाएगा आपका। कितना? 4 और 7 हो जाएगा 16। आप 30 डायरेक्ट जोड़ लेंगे, 21 और 7 हो जाएगा आपका 21। तो 21 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब एक क्वेश्चन आपको दिए जाता हूँ होमवर्क में, आप उसको करके बताइएगा, और राइट आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका आपको 15 से गुणा, यानी कि 210 का आपका 15 से गुणा करना है, और राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है इसका, कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल कुछ सीखने को मिला है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं आपसे। जय हिंद।